गुड इवनिंग क्लास, आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टाइम एंड वर्क। अब तक हमने टाइम एंड वर्क की कितनी क्लासें कर ली हैं? 6 क्लासें पढ़ ली हैं, आज हमारी 7वीं क्लास है। 2 या 3 और क्लासें होंगी, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और सब प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो हमसे ना आया हो। आज एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, डेली इंपॉर्टेंट करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो सभी लोग पूरी क्लास लेंगे और अच्छे से देखेंगे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो टाइप है वो क्या है? मजदूरों पर आधारित प्रश्न। किस पे? मजदूरों पर। और मैंने पहले ही कहा, डेली कह रहा हूँ, सभी लोग संभाल के रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि फिरोजाबाद में बुखार का बहुत ज़्यादा वायरल घूम रहा है, सड़कों पर दौड़ रहा है, तो बड़े आराम से रहने की ज़रूरत है। सही बेटा, कैसे रहने की ज़रूरत है? आराम से। अब देखो क्या है हमारा, मजदूरों पर आधारित प्रश्न। तो मजदूरों पर आधारित प्रश्न के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है? M1 × D1 × T1 / W1 = M2 × D2 × T2 / W2। अब देखो M1 T1 D1 क्या होते हैं? M1 यानी M का मतलब होता है बेटा मजदूर। क्या होता है? मजदूर। D का मतलब होता है दिन। T का मतलब होता है समय। और W का मतलब होता है कार्य। अब देखो कभी कभी, अभी तो हम ये टाइप कराएंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कार्य की जगह पर क्या दिया होता है? रुपए दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? रुपए। यानी कि रुपए का मतलब मजदूरी दी होती है। क्या दी होती है? मजदूरी। तो वो भी कहाँ आएगी? नीचे, रुपए 1 और रुपए 2। स्लैश इसलिए लिखा है क्योंकि कार्य और रुपए में से कोई एक चीज़ दी आएगी। अगर कार्य दिया होगा तो रुपए नहीं दिए होंगे, और रुपए दिए होंगे तो कार्य नहीं दिया होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन के साथ और अच्छे से पढ़ेंगे सभी लोग, मस्ती से पढ़ेंगे। सब प्रभु की माया है। किसकी माया है? सब प्रभु की माया। जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। अगर मनुष्य के हाथ में सारी चीज़ें होती तो कभी कुछ गलत नहीं होता, और प्रभु के हाथ में तब भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन होना वही है जो होगा। सही है? देखो सब अपने लिए सही करते हैं और सब अपने लिए बेकार करते हैं, सब अपने लिए करते हैं, सबके कर्म सबके साथ होते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें हमारा पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल से स्टार्ट करेंगे और कठिन की ओर जाएंगे, यानी सरल से कठिन, ऐसे दीवाल सी खड़ी करेंगे। क्या करेंगे? दीवाल से खड़ी करेंगे। आप लोगों के ही भरोसे तो हम चल रहे हैं। आप लोग जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। सही है? तो आप लोग मनोबल बढ़ाते रहो, ऐसे ही मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देता रहूँगा और आपका रिवीजन और आपकी तैयारी कराता रहूँगा। सही है बेटा? देखें पहला क्वेश्चन सिंपल सा, यहाँ से लिखते हैं, दिखाई देगा सबको। देखो क्या है क्वेश्चन, 12 आदमी किसी कार्य को, 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं, तो 8 दिन में कर सकते हैं तो 16 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? सही, 16 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब देखो जितनी चीज़ें दी जाएंगी उतना वैल्यू लगाएंगे, जो नहीं दिया जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो क्या दिया, 12 आदमी, तो 12 × 8 बराबर 16 आदमी हमने मान लिया x दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे? x दिन में। तो 8 × 16 × 2 = 12, तो x और क्या आ गया? 6 दिन। तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे बेटा? 6 दिन में करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जितनी वैल्यू दी जाएंगी उतनी लगाएंगे, जो नहीं दिया जाएगा उससे तो लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कैसे लगा सकते हैं? नहीं समझे? जब भाई कोई चीज़ है नहीं तो हम कैसे लगा सकते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कोशिश करूंगा, टाइम नहीं मिल पाता पीडीएफ बनाने के भेजने का, लेकिन हाँ कार्य चालू है, कोशिश करूंगा एक आध दिन में ऐसा कर सकूं कि आपके लिए पीडीएफ भेज सकूं। देखो अगला क्वेश्चन सिंपल सा, एक और
38 आदमी, किसी कार्य को प्रतिदिन, 38 आदमी किसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे, प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए, प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए 12 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी, आठ घंटे प्रतिदिन, कार्य करते हुए इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। सही है। अब देखो ये कह रहे हैं, 38 आदमी किसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए 12 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं, जो चीजें दी होंगी वही लगाएंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब देखो ये कह रहे हैं, 38 आदमी किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 12 दिन में कर सकते हैं। अब इसी काम को तो तुलना करवा देंगे, कितने आदमी, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए हमने मान लिया एक्स दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, एक्स दिन में। सॉल्व करते हैं, 4 3 12, 4 2 8, 3 5 15। अब 2 से 8 2 से, 2 3 6। सही है। तो ये आ गया हमारा x बराबर 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 111/5। तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 5 2 10, बचा 1, 5 2 10 22 सही 4/5 दिन। सही, 22 सही 4/5 दिन में करेंगे, कोई दिक्कत बेटा, सीधा सीधा लिख देंगे जो हमें दिया। पहले क्या थे, 38 आदमी 6 घंटे 12 दिन, फिर क्या है, 15 आदमी 8 घंटे एक्स दिन, कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे ऐसे ही, अभी सिंपल लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पेपर में आ चुके हैं। अब से हफ्ते में 2 टेस्ट हुआ करेंगे, एक हमारा टेस्ट हुआ करेगा गुरुवार को और एक होगा सैटरडे को या संडे को, जिससे हमारा रिवीजन कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी 4 दिन या 5 दिन क्लासेस चलेंगी, संडे को, अगर सैटरडे को टेस्ट होगा तो संडे को हॉलीडे होगा, ठीक है, तो क्लासेस 6 दिन चलेंगी, तो 2 दिन टेस्ट 4 दिन क्लासेस, अगर संडे को टेस्ट हुआ तो 7 दिन क्लासेस हो गई, इसमें 2 दिन टेस्ट और 5 दिन क्लासेस, तो कितने दिन टेस्ट हुआ करेगा, कम से कम 2 टेस्ट हुआ करेंगे, एक गुरुवार को कन्फर्म है और दूसरा शनिवार या रविवार को, जिसकी जानकारी आपको शुक्रवार को ही दे दी जाएगी। सही है। तो परसों आप सबका टेस्ट होगा और जितना पढ़ा दिया टाइम एंड वर्क तक उस पूरे का होगा, तो सभी लोग मेहनत करके चलेंगे और एक आध क्वेश्चन उसके अलावा भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखें अपना अगला क्वेश्चन, अड़तालीस मजदूर 17 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, 48 मजदूर 17 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 300 मीटर लंबी सड़क, 300 मीटर लंबी सड़क 15 दिन में
बनाते हैं, 300 मीटर लंबी सड़क 15 दिन में बनाते हैं, तो 90 मजदूर, तो 90 मजदूर प्रतिदिन, तो 90 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 35 दिन में कितनी लंबी सड़क बनाएंगे, कितनी लंबी सड़क बनाएंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते एक बार, क्या है क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 300 मीटर लंबी सड़क 15 दिन में बना सकते हैं, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 15 दिन में बना सकते हैं, तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 35 दिन में कितनी लंबी सड़क बनाएंगे। तो देखो सिंपल सा, देखो क्या दिया हमें पहले, पहले वाले मजदूर तो M1, पहले वाला समय 7 घंटे और पहले वाले दिन 15 दिन, और पहले वाला काम कितना है 300 मीटर, तो काम कहाँ आएगा नीचे आएगा, इसकी इससे तुलना कर देंगे, इससे दूसरी वाली से, दूसरे वाले मजदूर कितने हैं 90, घंटे कितने हैं 8, दिन कितने हैं 35, और काम हमसे पूछा गया कितना हो जाएगा, यानी ये पूछा कितनी लंबी सड़क बनेगी, तो हमने मान लिया x मीटर लंबी सड़क बनेगी, कितने मीटर लंबी सड़क बनेगी बेटा, x मीटर लंबी सड़क बनेगी। कैलकुलेशन करते हैं, देखो 15 × 90, 7 × 5 = 35, 6 × 8 = 12, 8 × 8 कैंसिल, तो क्या आ गया, देखो यहाँ एक होगा तो x बराबर 300 × 5 बराबर का 1500 मीटर, कितनी मीटर लंबी सड़क बनेगी 1500 मीटर लंबी सड़क बनेगी, सही बेटा, कितने मीटर लंबी सड़क बनेगी 1500 मीटर, आया होगा समझ में सबके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और देखो अभी थोड़ा और बढ़ेगा धीरे धीरे। अगला एक और क्वेश्चन सेम लिखते हैं, सभी लोग करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, देखो 5 मजदूर 6 घंटे, 5 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 10 खिलौने प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 खिलौने 6 दिन में बनाते हैं, 10 खिलौने 6 दिन में बनाते हैं, तो 12 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 7 दिन में, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 7 दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, कितने खिलौने बनाएंगे। अब जो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, ये कह रहे हैं 5 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 खिलौने 6 दिन में बनाते हैं, सही, 10 कार्य करते हुए 10 खिलौने 6 दिन में बनाते हैं, तो 12 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 7 दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, 7 दिन में कितने खिलौने बनाएंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, क्या है हमारा, 5 मजदूर, कितने मजदूर 5 मजदूर 6 घंटे और 6 दिन और 10 खिलौने, सही है, काम कहाँ आएगा नीचे, बराबर 12 मजदूर 8 घंटे 7 दिन x खिलौने, सही है। देखो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो 2 × 8 × 7, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 8 × 56, 56 × 112 बटे 3 खिलौने, सही है,
112 बटे 3 खोले हमने, दोबारा देख लो, 5 मजदूर, 6 घंटे, 10 खिलौने और 6 दिन, ठीक। फिर देखो 12 मजदूर, 8 घंटे और 7 दिन, एक्स खिलौने, 6 से 12 कैंसिल किया 2 बार, 2 से 6 कैंसिल किया 3 बार, 5 से 10 कैंसिल कर दिया 2 बार, कैलकुलेशन की क्या आ गया 112 बटे 3। अब ये तो भाई कैलकुलेशन है, अगर बाई चांस मेरी मिस्टेक हो जाए तो तुम सही कर लेना, नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, और थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, अगला देखें क्या है। देखें किसी कैंप में, किसी कैंप में 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन था, पर्याप्त भोजन था, 28 दिन बाद, 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं तो शेष भोजन, तो शेष भोजन शेष सिपाहियों के लिए के लिए कितने कितने दिन तक चलेगा, सही है। तो शेष भोजन शेष सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा, अब देखो करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका, एक लाइन का तरीका समझना। देखो क्वेश्चन समझो पहले, ये कह रहे हैं किसी कैंप में 400 सिपाही की हैं और जिनका 31 दिन का भोजन है, कितने दिन का 31 दिन का भोजन है, 28 दिन बाद, कितने दिन बाद 28 दिन बाद, यानी 28 दिन तक 400 सिपाही खाना खाते रहे, कितने दिन तक 28 दिन तक, अरे 28 दिन तक 400 सिपाही खाना खाते रहे होंगे तो कितने दिन बचे होंगे, 3 दिन का बचा होगा, तो 3 दिन का 400 सिपाहियों का खाना बचा, सही, 3 दिन का 400 सिपाहियों का खाना बचा, कितने दिन का, 3 दिन का। हाँ भाई माइक कहाँ चला गया, अच्छा तुम्हारे सामने कैसे खोलूँ, साइड से करता हूँ, ये भी प्रभु की माया है, किसकी माया बेटे, प्रभु की। अब देखो 3 दिन का भोजन बचा होगा 400 का, अब 400 व्यक्तियों का 3 दिन का भोजन बचा है और ये कह रहे हैं कैंप से 280 सिपाही चले गए, अगर 400 सिपाही थे 280 चले गए तो कितने बचे होंगे, 120 बचे होंगे, सही है। अब ये कह रहे हैं कि शेष बचे हुए सिपाही शेष खाना कितने दिन में खाएंगे, तो 120 सिपाही हमने मान लिया एक्स दिन में भोजन खत्म करेंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 3 चौक 12, 4 से ये 10 बार कैंसिल, एक्स और आ गया 10 दिन में, कितने दिन में बेटा 10 दिन में। देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन एक लाइन का सॉल्यूशन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके एक ही लाइन में सॉल्यूशन होंगे, बस देखते रहो मजा आ जाएगा, नोट करें ये बात। देखो फिर से देखें, किसी कैंप में 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन था, 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं तो शेष सिपाही शेष भोजन शेष सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। तो देखो हमने मान लिया पहले 400 आदमी थे, 28 दिन तक खाना खाया है और 28 दिन बाद कुछ हुआ तो 28 दिन खाया और टोटल 31 दिन चलना चाहिए था, 28 दिन चलाया है 31 दिन चलना चाहिए था, तो कितने दिन का और चलना चाहिए था, 3 दिन का भोजन बचा, 400 आदमियों का 3 दिन का भोजन,
और जो 120 आदमी होंगे कितने दिन के पर्याप्त होगा, तो कितने दिन, 10 दिन। आया समझ में? नोट करें, बस समझने वाली बात है, नोट तो करना नहीं है कुछ, क्योंकि एक लाइन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नोट करना है, तो फटाफट नोट करें। देखें अगला क्वेश्चन बेटा, ये कह रहे हैं 1600 सिपाहियों के लिए, 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है एवं पर्याप्त भोजन है एवं प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है, खाना खाता है, सही है। यदि 40 दिन बाद 400 सिपाही 400 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाएं तो शेष बचा हुआ खाना, शेष बचा हुआ खाना प्रति, शेष बचा हुआ खाना, खाना शेष, शेष बचा हुआ खाना शेष सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा यदि प्रति सिपाही अब 1000 ग्राम खाना खाए, प्रति सिपाही अब 1000 ग्राम खाना खाए। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पढ़ो एक बार दो बार, अपने आप हो जाएगा। देखो अपने आप कैसे हो जाएगा, ये कह रहे हैं 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है एवं प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है, ठीक। अब देखो 1600 सिपाही हैं और प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है, ठीक है, 50 दिन का भोजन है। अब ये कह रहे हैं यदि 40 दिन बाद 400 सिपाही, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद 50 दिन का पर्याप्त भोजन था और जो भी कंडीशन हुई हो, कब हुई है, 40 दिन बाद, अगर 40 दिन बाद कंडीशन हुई है तो 40 दिन तक 1600 व्यक्तियों ने 900 ग्राम के हिसाब से खाना खाया है, सही है। 40 दिन तक 1600 व्यक्तियों ने 900 ग्राम के हिसाब से खाना खाया है, तो अब खाना कितने दिन का बचा होगा, खाना बचा होगा हमारा 10 दिन का, खाना बचा होगा कितने दिन का बचा होगा, 10 दिन का, भाई कितने दिन का बचा होगा, 10 दिन का बचा होगा। इस खाने को, ये कह रहे हैं कि इस खाने को क्या करना है, 400 आदमी छोड़ के चले गए हैं तो कितने आदमी बचे होंगे, 1600 थे और 400 सिपाही छोड़कर चले गए हम, तो कितने बचे होंगे, 1200 सिपाही बचे होंगे, कितने सिपाही बचे होंगे, 1200 सिपाही। ये 1200 सिपाही 1000 प्रति ग्राम की दर से, ये 1200 सिपाही 1000 ग्राम प्रति खाने की दर से कितने दिन में खाएंगे, यानी कितने दिन तक इनके लिए चलेगा। आइए क्वेश्चन समझ में, एक बार दोबारा समझ लो, बस यही क्वेश्चन समझ नहीं, समझ लो क्वेश्चन हो गया। ये कह रहे हैं 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है एवं प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है, यदि 40 दिन बाद 400 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाएं तो शेष बचा हुआ खाना शेष सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा, यदि प्रति सिपाही अब 1000 ग्राम खाना खाए।
तो देखो पूरा खाना कितने दिन के लिए था, 50 दिन के लिए था। 40 दिन खाना खाया गया, कितने दिन खाया गया, 40 दिन खाना खाया गया, तो कितने दिन का खाना बचा होगा, 10 दिन का खाना बचा होगा। जो किसे खाना है, 1200 व्यक्तियों को 1000 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से एक्स दिन में खा पाएंगे। कितने दिन में खा पाएंगे, एक्स दिन में। कर देते हैं देखो कैलकुलेशन क्या जाता है हमारा, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत यहां तक। 4 3 12, 4 4 16, 3 3 9, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया, एक्स बराबर, एक्स बराबर आ जाएगा 12 दिन से। कितने दिन आ जाएगा, 12 दिन, यानी कितने दिन खाना और चलेगा, 12 दिन और चलेगा। देख लो आया हो समझ में, सही आ गया समझ में, एक बार दोबारा समझ लो, कैलकुलेशन दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो छोटी सी तो लाइन लिखनी है, दोबारा लिखे दे रहे हैं। ये कह रहे हैं 1600 सिपाहियों का 50 दिन का खाना था, जिसमें से 40 दिन खाना खा लिया गया है 900 के आराम से, तो कितने दिन का बचा होगा, 10 दिन का बचा होगा। ये 10 दिन का खाना कितने लोग खाने आएंगे, 400 लोग चले गए, तो कितने लोग रह गए, 1200 लोग रह गए। और कितना खाना खाएंगे एक बार में, 1000 ग्राम खाना खाएंगे, कितना खाना खाएंगे, 1000 ग्राम, तो कितने दिन में खा लेंगे, एक्स दिन में खा लेंगे। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 4 3 12, 4 4 16, 3 3 9 और 4 3 12, कितने दिन होंगे, 12 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे बेटा, 12 दिन। नोट करना फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें, देखें। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तीन सौ तीस सिपाहियों के लिए पैंतीस दिन का पर्याप्त भोजन है, 330 सिपाहियों के लिए एवं प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है, यदि 10 दिन बाद, यहां से दोबारा लिखते हैं, यदि 10 दिन बाद 170 सिपाही और शामिल हो जाएं, तो 10 दिन बाद 170 सिपाही और शामिल हो जाएं, तो अब यह शेष बचा हुआ खाना सभी सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा, यदि प्रति सिपाही 825 ग्राम खाना खाए। सही, देखो सेम क्वेश्चन है, वहां छोड़ के गए थे, यहां क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं, तो क्वेश्चन तो सेम ही, कोई अंतर नहीं है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं 330 सिपाहियों के लिए 35 दिन का पर्याप्त भोजन है एवं प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है। तो देखो 330 सिपाही हैं, प्रत्येक व्यक्ति 900 ग्राम खाना खाता है, कितने ग्राम खाना खाता है, 900 ग्राम। अब 35 दिन का पर्याप्त भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कुछ चेंज हुआ है, तो खाना कितने दिन तक खाया है, 10 दिन तक खाना खाया गया है, खाना कितने दिन का बचा होगा, 25 दिन का, ये टोटल खाना बचा है। सही है, क्या हो गया हमारा टोटल खाना हो गया। इस खाने को ये कह रहे हैं कि 170 सिपाही और बढ़ा दिए गए, तो पहले कितने थे बेटा, 330 और 170, 0 7 3 10 का 0 हासिल, 1 3 1 4 और 1 5, कितने लोग हो जाएंगे, अब 500 लोग हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे, 500 सिपाही। ये 500 सिपाही, अगर प्रत्येक सिपाही, ये 500 सिपाही शेष बचा हुआ खाना कितने दिन में खाएंगे, यदि अब प्रत्येक सिपाही 825 ग्राम खाना खाता हो, तो हमने मान लिया एक्स दिन में खाएगा, कितने दिन में खाएगा, एक्स दिन में खाएगा। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं,
जीरो से जीरो कैंसिल, पांच से ये पांच बार कैंसिल, पांच से इसे कैंसिल करते हैं। देखो पांच एकन पांच कितना बचा, तीन, पांच के तीस और पांच पंजे पच्चीस, ग्यारह से इसे कैंसिल करते हैं, ग्यारह तिया तैतीस, सही है, ग्यारह तिया तैतीस, इसे ग्यारह से कैंसिल करते हैं, ग्यारह एकन ग्यारह, ग्यारह पंजे पचपन, पंद्रह एकन पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, क्या बचा, नौ गुणा दो, तो एक्स और क्या आ गया, नौ गुणा दो या दो गुणा नौ बराबर का 18 दिन। शेष बचा हुआ खाना सभी सिपाहियों के लिए 825 ग्राम के हिसाब से कितने दिन चलेगा, 18 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 18 दिन। आया समझ बच्चों, नहीं समझ आया तुरंत बता देना, दोबारा बता देंगे, सही है, अगले दिन बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन वीडियो पूरा देखना और सारे के सारे क्वेश्चन देखना, ए टू जेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मस्त क्वेश्चन है, एकदम अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से करेंगे बहुत प्यारे बच्चों, सही है। देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ सिंपल सी, एक अध्यापक था, तो एक बच्चा क्या था, फीस जमा नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, फीस जमा नहीं कर रहा था, तो उसने क्या किया, एक दिन क्लास में क्या लिखवा दिया, ताजमहल दिल्ली में स्थित है, कहाँ स्थित है, ताजमहल दिल्ली में स्थित है। अब भाई ताजमहल दिल्ली में स्थित है कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा लिख के कॉपी गया अपने घर पढ़ रहा था बैठा, अब घर में बैठ के पढ़ रहा था तो क्या हुआ, एकदम नज़र मम्मी की कॉपी पे गई, तो मम्मी ने क्या देखा, कॉपी पे क्या लिखा है कि जो ताजमहल है वो दिल्ली में स्थित है। अब मम्मी का सिर चकराया, मम्मी ने कहा यहाँ ऐसी पढ़ाई होती है, इस स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती है, इतना सरल सा काम कि ताजमहल दिल्ली में, भैया ताजमहल तो सबको पता कहाँ है, आगरा में है। उन्होंने क्या किया, झटपट अपने हस्बैंड को बुलाया और कहा देखो तुम कहाँ एडमिशन करा के आए हो, इस स्कूल में तो टीचर कुछ नहीं जानते, इन्होंने क्या लिखवाया है, ताजमहल कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, क्या कहीं ताजमहल दिल्ली में, ताजमहल तो आगरा में है। अब व्यक्ति गुस्से में था, उसने कहा इतनी फीस लेते हैं और गलत पढ़ा रहे हैं, कैसे टीचर रख के हैं। उन्होंने कहा ठीक है कल ही स्कूल जाते हैं। सज्जन क्या हुआ, सुबह उठे अपने बच्चे को लेके स्कूल पहुँचे, कहाँ पहुँचे, स्कूल पहुँचे, स्कूल पहुँचे तो प्रिंसिपल के पास पहुँचे और क्या बोले, देखो ये कॉपी में क्या लिखा है, ताजमहल दिल्ली में स्थित है। भाई कैसे टीचर है तुम्हारे यहाँ, ये पढ़ा रहे हैं ताजमहल दिल्ली में स्थित है। तो भाई प्रिंसिपल भी थोड़ा गुस्सा हुआ, प्रिंसिपल ने फटाफट बुलाया कि हाँ भाई आओ, टीचर पहुँचा, टीचर ने कहा कि मतलब पेरेंट्स ने कहा, पिताजी ने कहा कि देखो तुमने क्या लिखाया है कि ताजमहल दिल्ली में है, तो उन्होंने कहा सही लिखा है, क्यों सही लिखा है, कि तुमने फीस जमा की कि नहीं जमा की, कि जिस दिन फीस जमा करोगे उसी दिन ये ताजमहल दिल्ली से उठ के आगरा में आ जाएगा, फीस जमा करो फटाफट और ताजमहल दिल्ली से कहाँ ले आओ, आगरा में ले आओ, आई बात समझ में। तो देखो टीचर कितना होशियार था, व्यक्ति को ऐसे ही होशियार होना चाहिए, नोट करो ये बात, सही है, लिख लिया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, मस्त और जबरदस्त। राधे, देखें अगला क्वेश्चन, प्रभु की माया हरि कृपा सब पे बरसती है, सब पर होती है, ऐसा कोई नहीं जिसमें प्रभु की कृपा ना हो। देखें क्या कह रहे हो, दिखाओ, दिखा तो रहा हूं, परेशान क्यों, देखो एक ठेकेदार, एक ठेकेदार 62 दिनों में किसी कार्य को करने का, किसी कार्य को करने का ठेका लेता है, एक ठेकेदार 62 दिनों में किसी कार्य को करने का ठेका लेता है, उसने इस पर 32 मजदूर लगाए, और क्या देखा कि 32 मजदूर कार्य पर 32 मजदूर लगाए
उसने इस पर 32 मजदूर लगाए और क्या देखा कि 30 दिन में केवल 1/3 कार्य हो पाया है। तो शेष कार्य समय से पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने होंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन डरना नहीं है, क्वेश्चन तो एक ही लाइन में सॉल्व होगा। कितनी लाइन में सॉल्व होगा? एक लाइन में। देखो कैसे सॉल्व होना, बस इक्वेशन बनानी। क्या बनानी है? इक्वेशन। देखो कैसे बनेगी इक्वेशन, बहुत आसानी से बनेगी। ये कह रहे बेटा एक ठेकेदार ने 62 दिनों में किसी कार्य को करने का ठेका लिया, यानी उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कार्य को, पूरे कार्य को 62 दिन में समाप्त कर दूंगा। उसने इस कार्य पर 32 मजदूर कार्य पर लगाए, सही, उसने इस पर 32 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाए? 32 मजदूर लगाए। और क्या देखा कि 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन में 1/3 कार्य समाप्त हो पाया है, सही है। 30 दिन में कितना कार्य समाप्त हो पाया है? 1/3 कार्य समाप्त हो पाया है। तो कितने मजदूर और लगाए? तो पहले 32 थे तो अब कितने हो जाएंगे? 32 प्लस एक्स हो जाएंगे कि शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना बचा होगा? 2/3। 1/3 कार्य हो चुका है तो कितना कार्य बचा होगा? 2/3 कार्य बचा होगा। तो शेष कार्य समय से पूरा हो सके। समय से पूरे होने का मतलब है 32 टोटल 62 दिन काम चलना चाहिए था, 30 दिन चल गया, तो अब कितने दिन और चलेगा? 32 दिन काम और चलेगा। कितने दिन काम और चलेगा? 32 दिन काम और चलेगा। तो इनटू का 32। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं एक ठेकेदार ने 62 दिनों में किसी कार्य को करने का ठेका लेता है, उसने इस कार्य पर 32 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाए? 32 मजदूर लगाए और 30 दिन में 1/3 काम हो पाया, यानी 32 मजदूर ने 30 दिन में 1/3 काम कर पाया है। तो ये कह रहे हैं शेष बचा हुआ काम समय से पूरा करने के लिए और कितने मजदूर लगाए जाएं। तो पहले 32 मजदूर थे, अब 32 प्लस एक्स मजदूर हो गए हैं। कितने हो गए? 32 प्लस एक्स। काम टोटल 62 दिन चलना चाहिए था जिसमें से 30 दिन चल चुका है, कितने दिन और चलेगा? 32 दिन और चलेगा। 1/3 काम हो चुका, यानी 1/3 टोटल काम 3 है, 3 में से 1 हो चुका, कितना बचा होगा? 2/3 काम बचा होगा। कितना काम बचा होगा? 2/3 काम। तो ये 2/3 काम समय से पूरा करेंगे, यानी 32 दिन में पूरा करेंगे। कैलकुलेशन करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 32 से 32 कैंसिल। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो इसका इधर उड़ा जाएगा, इस एक का उधर जाएगा, इसका इधर होगा। तो 30 दूनी 60 से 30 दूनी कितना आ गया? 60 आ गया। 1/3 से 30 दूनी 60 बराबर 32 प्लस एक्स। ये 32 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 32 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस के हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? एक्स बराबर 60 में से 32 गए, कितने बचेंगे? 28। 28 मजदूर और लगाने, कितने मजदूर और लगाने हैं? 28 मजदूर। जैसे ही और लगा देगा वैसे ही कार्य क्या हो जाएगा? समय पर समाप्त हो जाएगा। कितने मजदूर? 28, 28। तुम लोग सीबीएसई से पढ़ते हो तो 28, कितने? 28। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन करते हैं? अगला क्वेश्चन देखें क्या होगा। अगला क्वेश्चन, गर्मी बहुत है, प्रभु की माया तो है बट गर्मी भी तो है, काम तो दोनों ही है, प्रभु की माया प्लस गर्मी। मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? जबरदस्त है। बस आप लोग करते जाएं, क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, कलेक्शन और सिलेक्शन सब बहुत अच्छा है। एक ठेकेदार किसी कार्य को, या थोड़ा चेंज कर दो, एक ठेकेदार एक सड़क को बनाने का, एक सड़क को बनाने के लिए 40 दिन का
समय लेता है, 40 दिन का समय लेता है, यानी 40 दिन का ठेका लेता है। एक ठेकेदार एक सड़क बनाने के लिए 40 दिन का ठेका लेता है। ठेका लेता है और 100 मजदूर कार्य पर लगाता है। 35 दिन बाद 100 मजदूर और कार्य पर लगाता है, जिससे कार्य समय से समाप्त हो सके। तो बताएं, यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए गए होते तो कार्य कितने दिन लेट हो जाता, या कार्य समाप्त होने में कितने दिन का अधिक समय लगता। सही, कार्य कितने दिन लेट हो जाता या कार्य समाप्त होने में कितना अधिक समय लगता। अब देखो, पहले टोटल कार्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल कार्य। ये कह रहे हैं एक ठेकेदार ने किसी सड़क को बनाने के लिए 40 दिन में ठेका लिया है, परंतु क्या करता है, 35 और 100 मजदूर लगाता। कितने मजदूर लगाता? 100 मजदूर। और 100 मजदूर कितने दिन काम करते हैं? 35 दिन तक। तो कितने कार्य हो गए? 3500 कार्य हो गए। कितने कार्य हो गए? 3500। अब कहता है 35 दिन बाद, कितने दिन बाद? 35 दिन बाद, 35 दिन बाद 100 मजदूर और लगाए जाते हैं, जिससे कार्य समय पर समाप्त हो सके, यानी कार्य 40 दिन में समाप्त हो जाए। समय से समाप्त होने का मतलब कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए? 40 दिन में। अगर 40 दिन में कार्य समाप्त होगा तो 100 मजदूर और लगाए जाएं, तो अब कितने मजदूर लगाएंगे? 200 मजदूर। और इन 200 मजदूरों ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो इन्होंने कितने काम किए होंगे? 1000 काम किए होंगे। तो कुल कार्य बेटा कितने हो जाएंगे? 4500। यहां तक बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा समझ लो, परेशान क्यों हो। देखो, ये कह रहे हैं एक ठेकेदार एक सड़क को बनाने के लिए 40 दिन का ठेका लेता है और 100 मजदूर कार्य पर लगाता है। कितने मजदूर कार्य पर लगाता है? 100 मजदूर। लेकिन 35 दिन बाद 100 मजदूर और कार्य पर लगाता है, जिससे कार्य समय से समाप्त हो सके। कार्य किससे समाप्त हो सके? समय से समाप्त हो सके। तो देखो, 100 मजदूर और लगा दिए कार्य पर, तो पहले कितने मजदूर थे? 100। 100 मजदूरों ने 3500 काम किए हैं। अब 100 मजदूर और लगाएंगे, कितने मजदूर हो जाएंगे? 200 मजदूर हो जाएंगे। 100 पहले के, 100 अब के, तो कितने हो जाएंगे? 200 मजदूर। और 200 मजदूर कितने दिन काम करेंगे? ये कह रहे काम समय पर समाप्त हो जाए, तो काम चलनी है 40 दिन। 40 दिन काम चलना चाहिए, अगर 35 दिन चल चुका तो कितने दिन और चलेगा? 5 दिन और चलेगा। तो 5 दिन और चलेगा, 200 × 5 बराबर का 100। तो टोटल काम कितना हो गया? 4500 हो गया। ये 4500 काम, अगर ये कह रहे हैं ये 4500 काम, अगर व्यक्ति ना बढ़ाए जाते तो, व्यक्ति नहीं बढ़ाए जाते तो 100 व्यक्ति तो काम करते, तो 100 व्यक्ति ये 4500 काम कितने दिन में करते थे? तो 4500/100 बराबर का 45 दिन में करते। कितने दिन में करते? 45 दिन में। अब काम कितने दिन में खत्म करने की बात हो रही है? 40 दिन में। लेकिन अगर व्यक्ति ना बढ़ाए जाते तो काम कितने दिन में खत्म होता? 45 दिन में खत्म होता। काम खत्म होने की बात हो रही है 40 दिन में। अगर काम ना बढ़ाया जाता तो काम कितने दिन में समाप्त होता? 45 दिन में समाप्त होता। तो इसका मतलब क्या है? 45 माइनस का 40 बराबर का 5 दिन। काम कितने दिन लेट हो जाता? 5 दिन लेट हो जाता। कितने दिन? 5 दिन काम लेट हो जाता, अगर मजदूर ना बढ़ाए जाते तो। अगर मजदूर ना बढ़ाए जाते तो काम कितने दिन लेट हो जाता? 5 दिन लेट हो जाता। आया समझ में? नोट करें, दोबारा समझ लें। 100 आदमी 35 दिन काम करेंगे, 3500 काम करेंगे। 100 आदमी और बढ़ा दिए जाते काम समय पर समाप्त होने के लिए, तो अगले 5 दिन 200 व्यक्ति काम करेंगे, 1000 काम करेंगे। टोटल काम हो गए 4500। अगर ये 4500 के 4500 काम केवल 100 व्यक्ति करते तो काम कितने दिन में खत्म कर पाते? 45 दिन में खत्म कर पाते। और 45 दिन में काम खत्म कर पाते तो काम चलना चाहिए था 40 दिन, और चला कितने दिन? 45 दिन। तो कितने दिन लेट हो गए?
पांच दिन, कितने दिन? पांच दिन। नोट करें, अगला क्वेश्चन देखें। देखो, एक ठेकेदार एक सड़क को बनाने के लिए अड़तीस दिन का ठेका लेता है और तीस मजदूर कार्य पर लगाता है। पच्चीस दिन बाद पांच मजदूर और कार्य पर लगाता है, जिससे कार्य इतना साफ कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। पच्चीस दिन बाद पांच मजदूर और कार्य पर लगाता है, जिससे कार्य समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो बताएं, अतिरिक्त मजदूर कार्य पर ना लगाए जाते तो कार्य कितने दिन लेट हो जाता? सही है, सेम क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी समय से एक दिन पहले। तो हमारा वही उद्देश्य है, हमें पहले टोटल काम निकालना। क्या निकालना है? टोटल काम निकालना है। तो देखो, ये कह रहे हैं एक ठेकेदार ने एक सड़क को बनाने के लिए 38 दिन का ठेका लिया और 30 मजदूर कार्य पर लगाए। कितने मजदूर कार्य पर लगाए? 30 मजदूर। 25 दिन बाद, कितने दिन बाद? 25 दिन बाद। तो 25 दिन तक 30 मजदूर कार्य पर लगे रहे। कितने दिन तक? 25 दिन तक 30 मजदूर कार्य पर लगे रहे, तो कार्य हो जाएगा 750। सही कितना हो जाएगा? 750 कार्य हो जाएगा। सही कितना कार्य हो जाएगा? 750। अब ये कह रहे हैं कि कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कार्य 37 दिन में समाप्त होना चाहिए था, सॉरी 38 दिन में कार्य समाप्त होना चाहिए था, वो एक दिन पहले यानी 37 दिन में समाप्त हो गया। कितने दिन में समाप्त हो गया? 37 दिन में। कब? जब पांच मजदूर और बढ़ा दिए गए, यानी पांच मजदूर बढ़ा दिए। तो पहले अगर 30 मजदूर थे तो अब कितने मजदूर हो गए? 35। तो इन 35 मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया होगा? तो 37 - 25 बराबर का 12 दिन। कितने दिन काम किया होगा? 12 दिन। और इन्होंने 12 दिन में कितने काम किए होंगे? 12 × 5 = 60 का 0 हासिल 6 × 12 = 36 और 6 = 42। कितने काम किए होंगे? 42 काम किए होंगे। अब देखो बेटा, लाइन समझ में आई? दोबारा समझाते हैं। ये कह रहे हैं एक ठेकेदार एक सड़क को बनाने के लिए 38 दिन का ठेका लेता है और 30 मजदूर कार्य पर लगाता है। 25 दिन बाद पांच मजदूर और कार्य पर लगाता है, जिससे कार्य समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है? समय से एक दिन पहले समाप्त होता है। तो यानी कि 38 दिन में खत्म होना चाहिए था, 37 दिन में खत्म हुआ है। तो पहले 25 दिन काम चला, 750 काम हो गए, अब 37 दिन में खत्म हुआ, तो 25 दिन चल चुका है और 37 दिन चलना चाहिए, तो कितने दिन और चला है? 12 दिन और चला। तो 35 × 12 = 420। टोटल काम कितने हो गए? 0, 5 और 2 = 7, 7 और 4 = 11। 1120 काम हो गए। सही, कितने काम हो गए बेटा? 1120 काम हो गए हमारे। अब देखो, सॉरी 1170 काम हो गए। कितने काम हो गए? 1170। ये कैलकुलेशन है, खराब हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर ये 1170 काम केवल और केवल 30 ही व्यक्ति करते, एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं आते,
ये 1170 काम केवल 30 व्यक्ति करते, अगर वो 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं आते तो देखो 1170 में काम 30 व्यक्ति करते तो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 9 = 27 कितने दिन में खत्म होता, 39 दिन में खत्म होता। कितने दिन में खत्म होता, 39 दिन में। काम चलना चाहिए था 48 दिन और कितने दिन चल जाता, 39 दिन चल जाता। तो 39 माइनस का 38 बराबर का 1 दिन। काम कितने दिन लेट हो जाता बेटा, 1 दिन लेट हो जाता। कितने दिन लेट हो जाता, 1 दिन। आया समझ में, कितने दिन लेट हो जाता, 1 दिन लेट हो जाता। कितने दिन लेट होता, 1 दिन। आया समझ में यहाँ तक सबके? अब देखो, उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में, सही है। ये अब हमारा मजदूर और मजदूरी पर पूरी तरह से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा। तो मजदूर खत्म हो गए, अब कल क्या चलेगा, मजदूरी चलेगी। कल किस पे क्वेश्चन करेंगे, मजदूरी पे आधारित करेंगे। और एक और टॉपिक बचा, वैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग क्या करें, सुरक्षित रहें, बीमारी से बचें, क्योंकि बीमारी दौड़ रही है फिरोजाबाद में, सही है। सबके लिए सब सुरक्षित रहें, सही है। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ठीक है। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, लगे रहिए, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ और अच्छी से अच्छी क्लास दे सकूँ, सही है बेटा। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।